और अब बात करते हैं बिहार की राजनीति की। बिहार में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आपको विस्तार से इसकी बड़ी बातें बता दें, बिहार में आज 26 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। जेडीयू के कोटे से 14 जबकि बीजेपी के कोटे से 11 मंत्रियों ने शपथ ली है। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी जो कि रामविलास पासवान की पार्टी है, उनके यानी रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस मंत्री बने हैं। बीजेपी के मंगल पांडे शपथ लेने के लिए नहीं पहुंच सके, वो शिमला में थे लेकिन वो पटना शपथ ग्रहण के वक्त तक नहीं पहुंच पाए। सबसे पहले जेडीयू के विजेंद्र यादव ने शपथ ली, सबसे आखिर में पशुपति कुमार पारस ने शपथ ली है। मंत्रिमंडल के विस्तार में जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का पूरा ध्यान रखा गया है। सवर्णों के साथ ही पिछड़ों, दलितों, अति पिछड़ों को जगह दी गई है और ये लगभग हर मंत्रिमंडल में देखने को मिलता है कि जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का पूरा ख्याल रखा जाता है। मंत्रिमंडल में एकमात्र महिला मंत्री मंजू वर्मा है और मंत्रिमंडल में एकमात्र मुस्लिम मंत्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद हैं। वहीं बीजेपी से नंद किशोर यादव, प्रेम कुमार, रामनारायण मंडल और विनोद कुमार झा जैसे जाने माने चेहरों को कैबिनेट में शामिल किया गया है। जेडीयू से ललन सिंह और जय कुमार सिंह को फिर से मंत्री बनाया गया है। सरकार अपना काम करते रहती है और जिसके नेता नीतीश कुमार हैं वहां विकास की कोई गति रुकती नहीं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो टीम है बिहार को और बेहतर करने में कामयाबी इनको हासिल होगा। जब लालू जी सरकार में आते हैं और सुपर सीएम की भूमिका में अपने आप को दर्शाना चाहते हैं तो उस वक्त 90 का दशक याद आता है, जब हत्या, लूटमार, अपहरण, डकैती वो सब चरम सीमा पे होते हैं और वही देखने को भी मिला। अब पुनः विश्वास है कि एनडीए की सरकार पहले जिस तरीके से उसने काम किया था पुनः उसी तरीके से विकास को अपना प्राइम एजेंडा बना के फोकस करके डेवलपमेंट पे हम लोग काम करेंगे।